हेलो, माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी कल है जो करवा चौथ है, तो अभी थोड़ा सा ग्लो भी ज़रूरी है स्किन का। तो सारी लेडीज़ों का एक ही मकसद है कल का, ग्लो करना। तो जो है उसके लिए थोड़ा होम रेमेडी ज़रूरी रहता है। तो हमने जो है घर पे ही थोड़ा सा कुछ ने बनाया है। तो ये आलू कस करके हमने उसका स्क्रब बना लिया चीनी मिला के, तो स्क्रब यूज़ किया है। उसके बाद हमने जो है इसको बीट रूट का वो बनाए थे, हलवा नहीं बनाए थे। उसको बर्फ़ में फ्रीजर में रख दिए थे, मतलब बर्फ़ बनने के लिए रख दिए थे फ्रीजर में। तो हमने उसको अप्लाई किया था, उसको भी उसे बहुत ब्लश करता है स्किन। तो जो है इसको भी हमने करा था। जो रस उसके आलू का वो हमने छान लिया था, वो भी बचा था। तो उसमें थोड़ा सा बेसन और शहद मिला के उसका फेस पैक बना लिया था। तो उसका फेस पैक भी हमने लगाया और 15-20 मिनट तक रखा था। तो जो है थोड़ा हमने कोशिश किया है कि हाँ मैं भी गोरी लगूँ, काली हूँ क्या? ठीक है, काली ही सही, इसीलिए तो कर रहे हैं, गोरे लोग कहाँ कुछ करते हैं। तो ठीक है, अभी हमने देखते हैं थोड़ा सा दो स्किन चमके यार, नहीं तो क्या ही मतलब है। तो फिर यही कल की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से हैं। मैं वीडियो शूट और कर पाऊँगी कि नहीं, भगवान जाने, पर कोशिश करूँगी कि मैं करके दिखाऊँ। हर बार सोचती हूँ पूरा वीडियो ब्लॉग डालूँ, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं ब्लॉग डालूँ। तो बस ऐसे ही दिन चला जाता है मेरा रोज़ का रोज़। तो अभी कोशिश करते हैं कि करें, लेकिन बड़ी आलस आती है, क्या ही बताएं, और बस ऐसे ही चल रहा है। आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत तेज़ से भूख लगी थी मेरे को, तो फिर हमने मिठाई खाया और पानी पिया, क्योंकि एक दिन पहले खूब ढेर सारा खाने का मन करता है, डर लगता है कि कल रह पाएंगे व्रत की नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमने पानी बहुत ज़्यादा एक दिन पहले ही पी लिया था। हम रात में मतलब 10 बजे तक खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है सुबह की सरगी नहीं करते हैं हम लोग। सुबह उठते भी नहीं हैं तो सरगी नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन पहले ही हमने खा पी लिया था, एकदम पेट पूजा हो गया था और सब तैयारियां आप शुरू कर रहे हैं कल लगता है कि। और हमने खाना भी रेडी कर दिया है, पूरी खीर और पनीर की सब्जी, पुलाव हमने बना दिया और आगे सारी तैयारियां हो रही हैं। हम वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट पूजा में दिखाएंगे आप लोग को। तो हम भी रेडी होने जा रहे हैं बस, और आगे मतलब जहाँ पूजा करना है वहाँ भी सब हो गया है, सारी तैयारियाँ हमारे हस्बैंड जी कर दिए थे। तो फिर बस रेडी होना ही बाकी है। तो मैं चलिए बस रेडी हो रही हूँ और ओके आपसे पूजा में मिलती हूँ। अरे रुको बेटू, वाला
भरे हैं हम भी। अरे भैया थोड़ा सा कम ना हो जी, जब भी तो जल्दी फिर लगती पड़ती है। अरे इसे ले जाए तो। हाँ। तो तू जब थोड़े न करवाना, तू ये जा बैठ। हाँ। उसे जा रहा हूँ उसी में। उसके ऊपर चढ़ा दे। और पीछे बैठो, और पीछे। बाइक चढ़ा दे ना। उसके ऊपर। यहाँ बैठो मेरे पास। मेरे पास बैठो। आओ मेरे पास यार। यहाँ बैठो। हाँ बैठो। कुंडल सुचारु गंड मंडल जगन्नवल्लभ कल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसेयजं दधानुमुत्तमालिकं नमामि नन्दबालिकं समस्तदोषशोषिणं समस्तलोकपोषिणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवादिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा रसङ्गिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दशम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदिशन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिनं पटं नमामि मेघसुन्दरं दडिप्रवालतत्पटं समस्तगोपचन्दनं यदम्बुजैकमोदनं नमामि पुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि पुण्यनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञकल्पशायिनं नमामि पुण्यकान्दे प्रवर्धवैनिपायिनं यदा तदा यथा तथा तथैव प्रस्थितं मया सदैव गीयतां तथा कृपाविधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यदि जयकुमार भवेषु नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् भवे भवेषु भक्तिमान् भवेश भगवान् की जय। यत्र कर्णोपदेशी महादेव शंभु तुमेव माता।